लखनऊ वालों को तो ये भी नहीं कह सकते कि मुस्कुराइए आप फाइनल की दौड़ में हैं, लखनऊ वालों के साथ आज अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मुंबई इंडियन एक दफा फिर नॉकआउट में उसने साबित किया है कि बड़ी टीम बड़ी क्यों होती है। रोहित शर्मा की टीम को मुबारक और लखनऊ वालों के साथ मेरी दिली हमदर्दी है। आज के मैच पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों आज का मैच जब शुरू हुआ और टॉस हुई तो उस वक्त हर किसी ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये पिच जो है इस पे 160 एनएफ है, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और ग्रीन ने बैटिंग की थी तो उस वक्त लग रहा था कि ये पिच 200 की पिच है और यही वजह है कि 182 का जो स्कोर था हुआ उसको देख के भी लग रहा था कि शायद मुंबई इंडियन ने 15-20 रन कम बनाए हैं, ये और ज्यादा अच्छा कर सकते थे। लेकिन दरअसल ये पिच वाकई 150 से 160 की थी और ये स्काई और ग्रीन की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी जिसकी वजह से उनकी बैटिंग के दरमियान में ये पिच आसान लग रही थी और लोगों को लग रहा था कि ये पिच 200 की है। लेकिन जहां स्काई और ग्रीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग की बात होगी, स्काई और ग्रीन की 68 रन की पार्टनरशिप हुई जो 38 बॉल्स पे थी, जो तकरीबन एक ओवर में 11 के एवरेज के हिसाब से थी, 6 बॉलों पे 12 तो नहीं कहेंगे लेकिन 6 बॉलों पे 11 के तकरीबन एवरेज से थी और बहुत शानदार इनिंग थी। लखनऊ की तरफ से नवीन ने 4 ओवर में 38 रन देकर 4 विकेट ली, जिसमें खास तौर पर रोहित की और फिर 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और ग्रीन की जो विकेट शामिल थी। और 11वें ओवर के अंदर बैक टू बैक ये दो सेट बैट्समैन जब आउट हुए तो ऐसा लगा कि ये मैच शायद मुंबई इंडियन के हाथों से निकल गया। मुझे भी लगा कि एक साथ दो सेट बैट्समैन आउट हो जाना, आमतौर पे T20 मैचेस में 11वां 12वां ओवर जो होता है वो अमूमन मैच को टर्न कर देता है। आज यही हुआ, 10वें ओवर में लग रहा था कि मुंबई इंडियन बहुत आसानी से 100 रन बना लेगी, जबकि रोहित और ईशान बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों के जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग कोई मसला ही नहीं है, जिस तरफ जहां दिल चाहे ये शॉट खेल लेते हैं। लेकिन एक साथ इन दोनों का आउट होना और उसके बाद के जो ओवर थे उसमें रन बहुत कम बन रहे थे और यही वजह थी कि 15 ओवर में ये स्कोर 131 पे पहुंचा और उसके बाद के 5 ओवर में कुछ ना कुछ करके, जाहिर है जब स्कोर हो जाता है तो आखिरी 5 ओवर में 40-50 रन तो बन ही जाते हैं। और इस तरह से मुंबई इंडियन ने 181 का टारगेट सेट किया, जिसमें आखिरी ओवर में आखिरी ओवर जो था 20 ओवर जो था वो 14 रन का था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है बहुत टफ होगा, मुकाबला देखने वाला होगा, मुंबई इंडियन ने 15-20 रन कम बनाए हैं। लेकिन जब लखनऊ की बैटिंग आई तो लखनऊ की बैटिंग के साथ ही साथ अंदाजा हुआ कि एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस टीम में क्या फर्क होता है। लखनऊ की तीसरी विकेट जो 70 पे गिरी, जब उनका कप्तान कुरनाल आउट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा कि जैसे लखनऊ की टीम जो है वो बैटिंग करना भूल गई है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइनर्स बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन बदकिस्मती वो रन आउट हुआ और बाकी बैट्समैन जो थे, लेकिन यहाँ पे असल में सबसे बड़ी बात यह है, बड़े बड़े नाम, बड़े लोग, बड़े खिलाड़ियों के बीच में कभी कभी कोई जूनियर, कोई यंगस्टर, कोई रिलेटिवली अननोन खिलाड़ी ऐसा कमाल कर जाता है जो बहुत दिन तक याद रहता है। मुंबई इंडियन 5 दफा आईपीएल जीत चुकी है, तकरीबन 17 में से 12 मैच ये अब तक जीत चुके हैं। इनका विनिंग रिकॉर्ड आईपीएल नॉकआउट में सबसे ज्यादा है और उसकी वजह यह है कि बड़ी टीमें बड़ी होती हैं, उनके असाब ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन उन असाब उन बैटिंग के सबके साथ जब मधवाल की बात आएगी, आकाश मधवाल 3.5 ओवर में 5 रन देके 5 विकेटे, अगर T20 मैच में बॉलर 5 खिलाड़ी आउट कर दे तो उसके बाद सामने वाली टीम के पास बचता ही क्या है। ये T20 मैच है, इसमें एक ओवर जो है पूरे मैच का नक्शा बदल देता है। जिस तरह से मुंबई इंडियन की बैटिंग के दरमियान नवीन का 11वां ओवर जो था वो लग रहा था कि ये मैच मुंबई से निकल के लखनऊ के हाथ में चला गया है, लेकिन जहां से मधवाल ने बैटिंग करनी शुरू की है, कुरनाल और उसके बाद स्ट्राइनर्स जो आउट हुए हैं, उसके बाद लगा ही नहीं कि लखनऊ को खेलना आता है या वो खेलने आए हैं। उसके बाद फॉर्मेलिटी थी, खिलाड़ी आ रहे थे और जा रहे थे और मुंबई इंडियन जो है बहुत आसानी से अब अपने क्वालिफायर में पहुंच चुका है, जहां पर उसका मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मेरी आदत है जब किसी भी टूर्नामेंट में मैच के ऊपर तबसरा करता हूं तो उसके साथ उसके अगले मैच पे की प्रेडिक्शन जरूर करता हूं। गुजरात टाइटंस राउंड में सबसे तगड़ी टीम बन के आई है, उसके 12 पॉइंट थे, बाकी सबके 8-8 पॉइंट थे, लेकिन मुंबई इंडियन आज जिस तरह से आगे गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को मुंबई इंडियन जो है वो गुजरात टाइटंस को हरा देगी और फाइनल चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का होगा। दो बड़ी टीमें जो है वो इस फाइनल को खेलेंगी। बहरहाल आज का मैच थ्रिलिंग ज्यादा नहीं था, ये सिर्फ मुंबई इंडियन के फैंस के लिए खुशी और लखनऊ के फैंस के लिए उदासी लेकर आया है। लेकिन लखनऊ की बैटिंग के दरमियान में कोई बहुत अच्छी
बैटिंग देखने को नहीं मिली, बल्कि एक वन साइडेड मैच था जिसमें मुंबई इंडियन बहुत आसानी से जीतता चला गया और लखनऊ बहुत आसानी से हारता चला गया। लेकिन लखनऊ अभी रिलेटिवली नई टीम है, आगे आके हो सकता है वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें अपनी और अपना जो प्लेइंग 11 है उसको भी ज्यादा गुड लुकिंग करें। अगर आईपीएल की टीमों को देखा जाए तो लखनऊ की टीम जो थी वो सबसे मेरे ख्याल में कम बड़े नामों की वाली टीम थी, लेकिन उसके बावजूद ही यहां तक पहुंच गए, यही इनके लिए काफी था। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।